आज हम लोग बनाएंगे पानी पूरी चटनी का प्रीमिक्स बनाएंगे, जो आप घर पे बना के रखें और जब खाने की इच्छा हो तो थोड़ा सा पानी लें और उसमें कुछ चम्मच डाल के ये फटाफट से कुछ सेकंड्स में चटनी तैयार हो जाएगी और हम लोग पानी पूरी इंजॉय कर सकते हैं। आजकल सबकी बिजी लाइफ है तो काफ़ी टाइम कम मिलता है लोगों को, तो ये प्रीमिक्स बना के रखेंगे तो ये बहुत ही आसान होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए धनिया, पुदीना और मिर्ची की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने आधी जूड़ी पुदीना लिया है, एक जूड़ी धनिया लेंगे और कुछ हरी मिर्च 8 से 10 हैं। इन सबको अच्छे से पहले साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसे हमें वॉश करना है, तो अच्छे से पहले इसे वॉश कर लेंगे। देखिए मैंने इसे वॉश कर लिया है, अभी इसे हम सुखाने के लिए डालेंगे। एक छन्नी ले लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे कपड़ा, कॉटन क्लोथ डाल देंगे, उसके ऊपर धनिया और पुदीना जो है फैला के रखेंगे। इसे हम लोग धूप में भी सुखा सकते हैं और घर में फैन के नीचे भी। धूप में रखने के टाइम पे इसे कवर करके रखना है इस तरह, और घर पे रखेंगे आप तो इस तरह से फैला के फैन के नीचे खोल के रख सकते हैं। 2 दिन में देखिए अच्छे से सूख जाएगा। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं। तो ध्यान रहे जब धूप में रखें इसे सुखाने के लिए तो इसे कवर करके रखें। इसे ले लेंगे अभी मिक्सी जार में और इसे हमें पीसना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। अभी इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले डालेंगे इसमें जीरा पाउडर 2 चम्मच, 1 कटोरी गुड़, पाउडर्ड गुड़ है, पाउडर्ड जैगरी जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर खटास लाने के लिए 3 चम्मच, चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच, सौंट 1 चम्मच, जिंजर पाउडर जिसे कहा जाता है। ये कैसे बना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इजीली घर पे भी बना सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, काला नमक ये भी 2 चम्मच डालेंगे, 3 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड जिसे टार्टरी भी कहा जाता है। 1/4 स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे इसका। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, चटनी का प्रीमिक्स बिल्कुल बारीक बनाया है ये। सबकी लाइफ आजकल बिजी है तो टाइम काफ़ी कम मिलता है लोगों को, तो इस तरह से अगर हम लोग मसाला बना के रखेंगे, मीन्स प्रीमिक्स बना के रखेंगे, तो जब इच्छा हो हम लोग पानी पूरी बना के खा सकते हैं। इसे आप किसी भी जार में डाल के रखें, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके महीनों तक रख सकते हैं। जब हमें चटनी बनानी हो तो जस्ट एक बाउल लेना है हमें, उसमें डालेंगे पानी, अंदाजन मैंने यहाँ पे 2 से 3 ग्लास पानी डाला है, और इसमें जो हमने प्रीमिक्स बनाया है उसे डालेंगे। देखिए कितने कुछ सेकंड्स में ही ये चटनी तैयार हो जाती है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एक बार ये जस्ट पाउडर बना के रखना है और जब पानी पूरी खाने की इच्छा हो तभी इस तरह से मिला के हमें खाना है। इसमें थोड़ा सा बूंदी डालेंगे और नमक एक बार चेक कर लेंगे, अगर नमक आपको कम लगे प्रीमिक्स डालने के बाद तो थोड़ा सा सिर्फ नमक ऐड कर लें और पानी पूरी आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है और इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।